एक चमचमाती स्प्लेंडर बाइक जितना महंगा है ये डब्बा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या है एंड होप सो कि आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अब हमारी जर्नी में बहुत ही लंबे टाइम तक ये हमारा साथ देने वाला है। सो ऑलमोस्ट 1,25,000, ऑलमोस्ट क्या 1,25,000, मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। सो बेसिकली 1,25,000 का ये डब्बा है। अब इसके अंदर क्या है ये आप लोगों को देखने वाले हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता, बता दूँ मेरा नाम रोहन चौधरी और मैं टेक वाली वीडियोस बनाता हूँ। एक महीने से वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन अब कुछ खतरनाक लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अब देखते हैं कि इसमें क्या है। सो गाइस, सबसे पहले अगर इसके डब्बे की बात करें तो ये है एक गैलेक्स का GeForce RTX 3080 SG। SG का मीन होता है मतलब सीरियस गेमिंग, अगर इसको बहुत खतरनाक लेवल की गेमिंग करनी है तो खतरनाक लेवल की गेमिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसके अलावा देखा जाए तो उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले बात करें, अगर आप कहना चाहते हो रैम कितनी है, वी रैम, तो इसके अंदर आपको 10 GB की वी रैम देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको अगर क्या बोलते हैं इसके बाकी के फीचर्स देखने हैं तो हम इसमें करीब 3 डिस्प्लेज लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी मतलब पीसेस जुड़े ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर सकते हैं। 4K अल्ट्रा HD क्वालिटी तक स्ट्रीम कर सकते हैं, यहाँ तक कि 4K में गेम्स भी खेल सकते हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं जो कि मेरे चैनल पे आने वाले टाइम में वीडियोस देखने को आपको मिलती रहेंगी। तो अगर बॉक्स को साइड कर दें तो इसको खोलना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं पहले निकाल के रख लिया था। यहाँ पर आपके सामने में है GeForce का एक ब्लैक कलर का डब्बा। अब इसको अगर हम खोलते हैं तो हमें इसके अंदर जो चीज़ें मिलेंगी देखने को वो होंगी कुछ इस तरीके की। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ऊपर में आता है इसका एक कवर है, बेसिकली ये चमकाने के लिए कि आप जब ग्राफिक कार्ड को अपने कंप्यूटर में लगाओगे तो ये इसको चमका मारेगा बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर देखें तो इसके अंदर हमें मिलते हैं हमारा ग्राफिक कार्ड, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको थोड़ा साइड रख लेते हैं। एंड उसके अलावा हमें इसके अंदर एक फ़ैन मिलता है इसका, जो कि इसके जो ग्राफिक कार्ड के फैंस होते हैं वो ठंडी हवा खींचने के लिए होते हैं, और ये जो फ़ैन है ये उल्टा चलता है ताकि ये हवा को बाहर फेंक सके, जो भी गर्म हवा होती है उसे बाहर फेंक सके, ठीक है। उसके अलावा हमें इसमें कुछ और कनेक्शन मिलेंगे, ये RGB कनेक्ट करने के लिए केबल्स मिलेंगी और इसको सपोर्ट करते हुए थोड़े बहुत स्क्रूज मिलेंगे, ठीक है। और हमें इस बॉक्स के अंदर बाकी कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत पेपर वर्क है जो कि नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करें, ये फिलहाल साइड में रख देते हैं, सिर्फ अगर इसके ऊपर अपने ग्राफिक कार्ड के ऊपर फोकस करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं चाहूँ तो आपके सामने ही मैं पहली सील खोलने वाला हूँ, क्योंकि एक ब्रांड न्यू है। तो भाई साहब, सो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, मैं लाइट जरा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर पूरी लाइट आए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, ये भाई साहब एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी, लिटिल चमचमाती बाइक जितना महंगा है ये माल। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर इसके सारे पिन्स हैं, ठीक है। ये जेन 4 सपोर्ट करता है तो जेन 4 के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। यहाँ पर आपको 3 फैन मिल जाते हैं और साथ ही आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पिन मिल रहा है, आप इसे कनेक्ट कर दो, अपने PC में लगा दो, ठीक है। PC में लगाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, PC को किसी भी नेटवर्क कनेक्शन से जोड़ सकते हो, इंटरनेट से जोड़ सकते हो, और फिर उसके बाद में आप इसे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके बड़े आराम से ओवरक्लॉक कर सकते हो, बड़े आराम से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, बल्कि इसको पूरा मैनेज कर सकते हो। मैं आपको साइड में वीडियो दिखा दूंगा अगर हो सके तो, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाया गया तो, ठीक है। तो कुछ ये सारा माल है और इसको अब हम लगाने वाले हैं अपने कंप्यूटर के अंदर में, और मैं इसके सारे टेस्ट वेस्ट रन करूंगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसके बारे में जो भी जानना चाहते हो, लिटरली जो भी जानना चाहते हो, मुझसे सवाल पूछो कमेंट्स के अंदर में, मैं तुम्हें उनके ऊपर वीडियोज बनाकर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा जो ग्राफिक कार्ड है ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा बहुत तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के लिए, और जो मेरा बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का उसमें काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी शुरू कर सकते हैं, लाइक हम YouTube पर गेम्स को खेल के डाल सकते हैं, लाइक मेरे को GTA 5 खेलना बहुत पसंद है तो मैं वो डाल सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास Far Cry 5 रखा पड़ा है काफ़ी टाइम से, तो मैं वो खेल कर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो मैं बहुत सारे अलग अलग गेम्स जो हैं वो खेल के भी दिखा सकता हूँ आपको, अलग अलग तरह की एडिटिंग टेक्निक्स सिखा सकता हूँ आपको, अलग अलग तरह के क्या बोलते हैं एजुकेशन दे सकता हूँ, जो भी मेरे दिमाग के अंदर है। आज मैंने पिछले 8-9 सालों में जितने भी स्किल्स अपने अंदर डाले हैं वो सब मैं आपको दिखा सकता हूँ इस एक पर्टिकुलर चीज़ की हेल्प से, क्योंकि ग्राफिक से जुड़ा कुछ भी हो, कॉन्टेंट से जुड़ा कुछ भी हो, उसके लिए आपको एक ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। एंड ये 3080 आपके सारे कामों में कर सकता है और कम से कम आने वाले 5 साल तक फ्यूचर प्रूफ भी है। तो इसके ऊपर अगर और भी बहुत सारी वीडियोस चाहिए, मतलब इसके टेस्ट चाहिए, अगर इसमें क्या बोलते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा अगर चाहिए तो प्लीज अभी के अभी कमेंट करो और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे एग्जैक्टली आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, पूरा करियर बना सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर कि हो सके तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मेरे दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। आई होप सो आप लोग करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।